हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया प्यारा सा हमारा सब्जेक्ट, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। जब फर्स्ट ईयर में आप आ गए हो तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको स्टडी करनी है, हमारे बेसिक फ्रंट एंड वाले अलग होते हैं, हम अब इन डेप्थ जा रहे हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे सी प्रोग्रामिंग। सेमेस्टर टू में जब आप आ रहे हो, सी प्रोग्रामिंग होगा, देन आप धीरे धीरे जावा, पाइथन एंड बाकी सारी चीजों को क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला मॉड्यूल, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स, बेसिक सी कुछ चीजें हमारे सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, ठीक है। अब जब हम सी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो सी फॉर कंप्यूटर होता है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग करनी कहाँ पे है, एक्चुअली हमें एग्जीक्यूट कहाँ करनी है हमारी सारी चीजें। जब आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपका डेस्कटॉप, आपका पीसी, या आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हमारे वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखो, अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट ऑब्वियसली बिना पावर सप्लाई के उसको कैसे वर्क करोगे ना। तो यहाँ पे वो क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारा डेटा एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म्स ऑपरेशन, डिस्प्लेज रिजल्ट एंड स्टोर्स द डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट सम इनपुट्स, मुझे इनपुट देना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास डिवाइसेस होंगे, हमें हमारा पीसी के अंदर कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते, कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक, कुछ तो कंपैरिजन चीजें वो कर रहा है, एंड वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा हमें हमारे पीसीज के थ्रू, जो हमें दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटीग्रेटेडली वर्क करती है। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का हमारे पास मेल होता है। सबसे पहले होता है हमारा हार्डवेयर एंड दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सुना होगा कोई कोई बोलता है ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। हार्डवेयर इज एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन फील। जब हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, ये सारी चीजें क्या होती है जो आपके पास होती है, दैट इज योर हार्डवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो क्या होता है, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स जो आप लिख रहे हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। आप देखोगे वी से सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, वॉट इज दैट, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। वहां पे हम क्या करते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, व्हाट इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज इन डेप्थ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन है आपका, मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक थियरी क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो वहाँ पे ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट सिस्टम है वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हमने जब इंट्रोडक्शन ही देखा कंप्यूटर के बारे में, तो सबसे पहले आ रहा था हमारा इनपुट, राइट। दूसरा था हम प्रोसेस कर रहे, ऑपरेशन को प्रोसेस कर रहे। तीसरा था हमारा आउटपुट। तो थ्री मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज इनपुट, हमारा सीपीयू जहां पे हमारी मेन प्रोसेसिंग होने वाली है, एंड हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आने वाला है इनपुट यूनिट। व्हाट इट डज एक्चुअली, इट टेक्स इनपुट। अब मैं जब इनपुट दे रही हूँ, मेरे कीबोर्ड है मेरे पास, मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रही हूँ, इट इज समथिंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, हमें अंडरस्टैंड कर रही है वो चीज, हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे, राइट। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, उस जैसे अभी मेरे पास मेरा दोस्त है, उसको समझ में ही नहीं आएगी मेरी लैंग्वेज, तो मेरे बोल के भी क्या मतलब है, राइट। तो व्हाट इट डज एक्चुअली, ये हमारा जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट जो है, हम इनपुट दे रहे, इसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय आर कंप्यूटर सिस्टम। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके ऊपर रेस्पेक्टिव चीजें आपको देगा। अगर समझ लो मैंने एक कुछ भी माउस क्लिक किया, एक सिंपल माउस क्लिक अगर मैं कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो इनपुट देगा, हमारा कन्वर्ट करेगा उसे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में सिंपली जीरो एंड वन फॉर्म, वहां पे हम सिर्फ दो चीजें यूज करते हैं, एक जीरो होता है और एक वन होता है, तो इसके अंदर वो क्या करता है, उसे इनकोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट होता है हमारा मेन, बहुत बोलते हैं ना ये दिमाग है हमारा सिस्टम का, दैट इज ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। हम सबके पास देखा है सीपीयू क्या होता है, एक होता है हमारे पास चीज, राइट। तो ये सीपीयू करता क्या है, इट फर्स्ट फिचेस फ्रॉम द मेमोरी, ये क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसे क्या करेगा, फिच करेगा, एंड इंटरप्रेट्स देम सो दैट टू नो व्हाट इज टू बी डन। अब ब्रेन बोला है,
अब हमारा देखो बेसिकली बायोलॉजी में अंडरस्टैंड करेंगे तो समथिंग हमें रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पता है। तो जब हमें कोई भी चीज से लगता है तो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हमारी ब्रेन में होती है। इनपुट मिला, हमें लगा, समझो मुझे यहाँ पे कुछ चीज चुभी, मुझे इनपुट मिला, मेरा ब्रेन प्रोसेस करेगा एंड देन मुझे आउटपुट देगा थ्रू आर रिफ्लेक्स आर्क कि आपको क्या करना है, आपका हाथ विड्रॉ करना है। यहाँ पे सेम फंडा हम यूज करते हैं, हम हमारा इनपुट देंगे, जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको इंस्ट्रक्शंस को लेके वो उसकी इन्फॉर्मेशन मेमोरी से निकालेगा एंड देन क्या करेगा, आपको रिस्पेक्टिव आपका आउटपुट दे देगा। और क्या अंडरस्टैंड करेगा कि आपको करना क्या है, आपको हाथ हटाना है तो आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन बताएगा, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताएगा। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमने क्या किया है, तीन मेन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास आता है ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक बोल रही हूँ तो अरिथमेटिक में हमारे पास क्या आ रहा है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितना भी हमारा अरिथमेटिक से रिलेटेड चीजें आती है वो सब। अब लॉजिक यूनिट मतलब लॉजिकल थिंग्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स कंपेरिजन कर रहे हैं कुछ चीजों की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी बेसिक मैक्स से रिलेटेड चीजें हैं हम क्या करने वाले, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर करने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन आर CPU, इसको हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है हमारा इस CPU का। तो यहाँ पे क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। अब जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर किया है ना इसने, तो क्या करेगा, इसको रिस्पेक्टिव चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे जितने भी अरिथमेटिक हमारे प्रॉब्लम्स है वो भी क्या होंगे, हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर आके सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट। जितने भी डेटाज है, जितने इंस्ट्रक्शंस है, आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी क्या होगी, इस मेमोरी रजिस्टर में जाके परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। so that they are available whenever required. अब मुझे particular data है, मुझे ये particular time जब code execute हो रहा है तब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, memory register के अंदर उसको compulsorily store करके रखना पड़ेगा। अब last component आता है हमारे पास, that is output unit. अब output unit के अंदर क्या क्या होगा, that converts. अब हमें processing हो गई, सारे operations का processing हो गया, सब चीज हो गया, अब मुझे output चाहिए। अब मैंने क्या किया था, इनपुट में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, 01 के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब 01 हमारा कंप्यूटर हमें दे देगा तो हमें समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस डज, क्या करेगा, हमारे जो बाइनरी फॉर्म जो था, जो कंप्यूटर ने जनरेट किया था, उसे हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। दैट मींस इट विल सिंपली कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। हमें जो आउटपुट आ रहा है हमारे स्क्रीन के अंदर वो हम रीड कर सकते हैं, राइट। अगर यही 01 के फॉर्म में होता तो हम रीड कर पाते क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, वो हमें एक प्रॉपर आउटपुट, अगर 2+1 बोला है दैट इज 3, तो हम क्या करेंगे, उसे वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको सॉल्व करके हमें दे देगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज आर कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे जो डायग्राम था या जो कंपोनेंट्स है, शॉर्ट में सब चीजें यहाँ पे इंटीग्रेट करके बताया है। अब हम आगे चलते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मेन हमारे फीचर्स होने वाले हमारे कंप्यूटर्स के क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, मेक श्योर आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजों को लिखो। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे कंप्यूटर का होता है स्पीड। क्यों हम कंप्यूटर्स को अडैप्ट करें, क्यों हम कैलकुलेटर्स यूज करें, फॉर स्पीड कैलकुलेशन। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक चीज कर रही हूँ तो उसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है हमारे कंप्यूटर की कि ह्यूमंस जो है वो पीछे ही रह गए। तो यहाँ पे छोटे छोटे बड़े से बड़े कैलकुलेशन प्रोसेस जो होते हैं या फिर बड़े से बड़े कोड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्यूरेसी, अब ह्यूमन बोलते ना, हर इंसान कभी ना कभी गलती कर ही देता है, कितना भी परफेक्टली वो काम करे 99.99% वो आ ही जाता है, राइट। बट जब हम कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं तो वो चीज नहीं होती है, हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हमें वो लाके क्या करता है, दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिलिजेंस। अब ये क्या है, कितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दे दो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम दे दो, कितना भी बड़ा नंबर्स दे दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन, कुछ भी दे दो, ये क्या करेगा, इजीली उसे विद इन फ्यू सेकंड्स क्या करेगा, आपको सॉल्व करके दे देगा विद एक्यूरेसी, विथ नाइस, अच्छे से पूरी एक्यूरेसी के साथ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान देते हुए। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे।
अब नेक्स्ट है वर्सेटाइल। अब ये वर्सेटाइल होता है क्यों? बिकॉज वी कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम्स। कितने भी ऑपरेशंस इसके अंदर, अब मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ उसके अंदर क्लासेस होंगे, फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है, राइट। अब तो ये क्या करता है, उसे एफिशिएंटली बहुत अच्छे से कितने भी ऑपरेशंस आप दे दो वो क्या करेगा, उसे अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड जब भी हमें जरूरत होती है हम क्या कर सकते हैं, उसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो जैसे स्टोरेज होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, मेरे पास एन नंबर ऑफ फोल्डर्स, एन नंबर ऑफ फाइल्स, पीपीटीज या फिर डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, सब चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर कहाँ होती है, स्टोर होती है। एंड जब भी हमें चाहिए हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे उसे डिलीट करना है फिर भी वो मुझे फॉर 29 डेज हमें अवेलेबल होता है, आप वहां से भी उसे डिलीट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर चीज भी हो जाता है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिदम। अब हम चलेंगे सी के अंदर। सबसे पहली एंड एसेंशियल चीज है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम इज नॉट जस्ट फॉर सी लैंग्वेज, इट इज आल्सो फॉर आर जावा, फॉर आर पाइथन, फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनफैक्ट जब आप सी, बट ऑब्वियसली आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग के अंदर हो तो आपको आइसोलेटेडली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप कोई भी बेसिक सा एनालिसिस वाला प्रोसेस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको एल्गोरिदम्स लिखने होते हैं। तो वो एल्गोरिदम्स के लिखने के हमें रिस्पेक्टिव मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली एल्गोरिदम्स को लिखते कैसे हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज अ सेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सॉरी, यहाँ पे एल्गोरिदम सिंपल वे में बोलूं तो हमारा स्टेप्स, हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, सिंपली कैसे एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन सी वैल्यूज आई, कहाँ पे उसका क्या ऑपरेशन हुआ, कैसे स्टोर हुआ, सारी चीजें, एंड फाइनली स्टॉप। दिस इज व्हाट एल्गोरिदम इज, सिंपली स्टेप्स, हम कैसे उसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हम सबको आती है तो हमें क्या करना है, सिंपल वे में हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हमें वो चीज यहाँ पे लिखनी है इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी आपको सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, कोई भी ऐसे अलग सी कुछ चीज नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स को वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, इसके लिए काफी इजी हो जाता है ये। फिर इसके बाद डिफाइन द प्रोसीजर टू परफॉर्म, कैसे हमारा स्टेप्स होगा एक के बाद एक सिक्वेंशियली कैसे हम जा रहे, वो सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे दो टाइप से, एक्चुअली तीन है, यहाँ पे हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सिंपली आपको क्या करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारे स्टेप्स को लिखना है, पूरे प्रोसीजर को लिखना है। दूसरा होता है हमारे पास स्यूडो कोड फॉर्म। देखा होगा आपने पेपर के अंदर पूछा जाता है, राइट द स्यूडो कोड ऑफ दिस, कोई एक पेपर उठाओ हमारे फाइनल ईयर का या थर्ड ईयर का, आपको कहीं पे भी ये चीज क्वेश्चन दिख जाएगा, राइट द स्यूडो कोड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो इजी हो जाता है। अब हर एक एल्गोरिदम को हम इंग्लिश में लिखे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम नहीं लिख सकते तो उसे हम करते हैं हमारे स्यूडो कोड के अंदर। तो स्यूडो कोड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशंस क्या यूज करते हैं, ऑपरेशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसीजर। अब एडिशन मुझे करना है तो सिंपली हाउ आई कैन राइट ए प्लस बी, ये क्या डिनोट कर रहा है, एडिशन। अब मैं इसे स्टेप वाइज में लिखूंगी, वी नीड टू एड ए एंड बी, उसे हम सिंपल इंग्लिश में इस हिसाब से लिखेंगे। बट जब मैं स्यूडो कोड में लिख रही हूँ तो व्हाट आई विल जस्ट राइट ए प्लस बी, ये हो गया हमारा ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट आर प्रोसीजर्स, ठीक है। एक और चीज है इसके अंदर हमारे पास फ्लो चार्ट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स एक्चुअली होता क्या है, फ्लो चार्ट्स इज सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई चीज आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है एंड कोई चीज आपको थ्योरी में दिखाई दे रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग बट ऑब्वियसली विजुअली ज्यादा बेटर होगी, जो फोटो होगा उसके ऊपर ज्यादा बेटर आपको चीजें क्या होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ये चीज हम देखेंगे बाद में कि हमारा वो फ्लो चार्ट एक्चुअली फंडा है क्या, जो आपको पूछा जाता है कई सारे पेपर्स के क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखो, पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग आर एल्गोरिदम। जब आप एल्गोरिदम लिख रहे हो तो आपको कौन से पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है हमें नॉन एम्बिग्विटी। नॉन एम्बिग्विटी क्या होती है, आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको एम्बिग्युस, नॉन एम्बिग्युस, फ्री, सारी चीजें समझ में आएंगे। ईच स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज।
हर एक स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। उसको रीड करने के बाद एक्चुअली आपको प्रोसीजर पता चलना चाहिए कि हाँ ये स्टेप में मैंने ये चीज की है। प्रिसाइज होना चाहिए, जितनी इंग्लिश आती है सारी इंग्लिश उसके अंदर डाल दोगे तो वो चीज नहीं चलेगी। प्रिसाइज होने चाहिए, चार ही वर्ड्स होने चाहिए लेकिन वो चार वर्ड्स में कुछ मीनिंग होना चाहिए। ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट ओवर हियर, आपको मीनिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। परफेक्टली उसमें चीज जो स्टेप आप कर रहे हो उसे आपको बताना पड़ेगा और क्लियर होना चाहिए। एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में अगर ये स्टेप लिखा है उसके नीचे वाला भी स्टेप में कुछ चीजें सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है वैसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ इनपुट्स। अब यहाँ पे देखो रेंज क्या कहता है, रेंज इज समथिंग हम बता रहे भाई वन से स्टार्ट होके टेन तक ही आपको क्या करना है जाना है। दैट मीन्स हमें उसे प्री अच्छे से बताना पड़ेगा, एक्यूरेटली बताना पड़ेगा कि आपको इतने ही बार आपकी पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करना है। रेंज ऑफ इनपुट आपको उधर देना पड़ेगा कंपल्सरीली। अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनडेफिनाइट पार्ट तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें उसे बताना पड़ेगा कि आपको बस एक दो तीन चार या एक दो तीन चार पाँच छह जितना आपको उतना इनपुट लेना है उधर तक आपको क्या करना है जाना है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, आइट्रेशन काइंड ऑफ थिंग। जब हम अंडरस्टैंड करते थे हम बताते थे ना, कंडीशन डालते थे उसके अंदर, डालते हैं उसके अंदर कि हमें बताना है आई शुड आइट्रेट फ्रॉम ओनली वन टिल टेन तक, ग्रेटर देन लेस देन टेन, ये सारी चीजें हम क्या करते थे वहां पे यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, रेंज ऑफ इनपुट मस्ट बी कंपल्सरीली मेंशन, मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल वेज। क्या क्या बताया, एल्गोरिदम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इन स्टेप फॉर्म, स्यूडो फॉर्म एंड अनदर वन, जो हमारा पिक्टोरियल वन है दैट इज हमारा फ्लो चार्ट, राइट। तो हम ये तीन वेज में डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर हमारे एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड, produces results at a fast speed and efficiently। हमारा जो स्पीड है पर्टिकुलर चीज इसकी क्या होती है, काफी अच्छी खासी होती है एंड एफिशिएंटली भी वो हमें रन करके बताता है। नेक्स्ट हमारा होता है फाइनाइटनेस, नो इनफाइनाइट कंडीशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एल्गोरिदम है वो चलता ही जा रहा है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, अन्यवत एंडिंग हो जाएगा, वैसी चीजें नहीं होती है। हमें उसे लास्ट में स्टॉप करना पड़ता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ। नेक्स्ट हमें इसमें इनपुट रेंज भी हमने इसके लिए दिया है कि भाई साहब कहीं तो कहीं जाके आपको क्या करना है, खत्म करनी है। फाइनाइट इनफाइनाइट वो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे हमारा एक पांच चीजें जो है आपको बहुत ध्यान रखनी है, नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, रेंज आपको बताना होगा, स्पीड आपको ध्यान रखनी है, टाइम इसके अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारी चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनाइट होना चाहिए एंड मिडिल वन इज मल्टीप्लिसिटी, हम मल्टीपल वेज में उसको रिप्रेजेंट कर सके। अगर मैं स्टेप फॉर्म लिख रही हूँ तो मुझे उसका रेस्पेक्टिव स्टूडियो फॉर्म भी लिखना आना चाहिए, उसका रेस्पेक्टिव फ्लो चार्ट भी लिखना आना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज Rules to write algorithms in pseudo code. अब जब मैं English step form बता रही हूँ तो step form क्या होता है? Simple English, right? हमें ध्यान किस पे देना है? Pseudo code के ऊपर। तो pseudo code में सबसे पहली चीज that is you need to mention start and stop. हम यहाँ पे step number one will be always start capital में लिखा है। जैसे हम लिखते हैं एक अच्छे से लिखो इसे, स्टार्ट है कीवर्ड है तो प्लीज डोंट राइट इन लोअर केस, स्टार्ट है अच्छे से उसको लिखो। यहाँ पे अंडरलाइन किया है, नहीं भी करोगे तो चलता है, स्टार्ट सिर्फ सिंपली लिख दो। एंड एंड कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली एंड, स्टॉप लिखो या एंड लिखो वो भी हमें चलेगा। स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टॉप कहाँ करोगे, जब आपका पूरा प्रोसेस स्टूडियो कोड खत्म हो रहा है तो लास्ट स्टेप विल बी स्टॉप। कैसे लिखोगे, स्टेप नंबर वन ये भी लिखना पड़ेगा, स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू पूरा प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स लगेंगे लास्ट स्टेप सेवन समझ लो इक्वल्स टू या कोलन विल बी इक्वल्स टू स्टॉप, ये आपको चीज वहां पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सेप्ट इनपुट्स। अब मुझे इनपुट्स चाहिए समझ लो, कभी कभी यूजर डिफाइंड प्रोग्राम होता है, कभी कभी हम खुद से डिफाइन कर देते हैं इनपुट हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। तो जब हमें यूजर से लेना है तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है इनपुट तो आई विल राइट इनपुट, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, रीड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो रेस्पेक्टिव यूज करना है यू कैन यूज। नेक्स्ट डिस्प्ले आउटपुट्स, आउटपुट्स को डिस्प्ले करना है सी के अंदर तो हम क्या करेंगे, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट, सिंपली प्रिंट वाला जो चीज है हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तने फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर ऑपरेशंस। अब मुझे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, जैसे मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको प्लस करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑपरेटर्स दिए गए हैं हमें, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जितनी भी चीजें हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसे भी हम यहाँ पे
बता सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो प्लस साइन यूज करोगे, और मॉड निकालना है तो रेस्पेक्टिव चीज परसेंटेज साइन यूज कर लोगे, एंड बाकी सारी चीजें। एंड और एंड एंड और नॉट, ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं जो हमें यूज करना है। एंड हम तब यूज करते हैं जब हमें कंजंक्शंस में जाना है, और फॉर डिसजंक्शंस हमने लॉजिकल जो एक चैप्टर है आप सभी को उसके अंदर देखा होगा, नॉट इज फॉर नेगेशन, नॉट दिस मतलब ट्रू या तो फॉल्स, राइट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एंड क्या करता है, हमारे कंजंक्शंस के ऊपर ध्यान देता है, दिस एंड दिस, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। एंड नेगेशन में, सॉरी, और में हम क्या आता है, दिस और दिस, ये है, ये नहीं है, ये है तो भी चलेगा। तो ये हमारी चीजें क्या आती है, और के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक कंडीशंस। कभी कभी हमें करना पड़ता है ना, इट इज इवन और ऑड, इट इज प्राइम और कंपोजिट, इट इज जो भी हमारी चीजें हैं, डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय फाइव और नॉट, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशंस यूज करनी पड़ती है। तो इफ एल्स हम यूज करते हैं, स्विच हम यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो आप, अगर आपको सिर्फ इफ करना है, लूपिंग यूज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है हमारे कंडीशंस के अंदर, इफ एल्स के अंदर आती है। अगर आपको और भी कुछ चीजें करनी है, वन स्टेप टू अनदर, अगर मुझे स्टेप नंबर फाइव पे हूँ, I need to go to step number 13. What I will write? Go to, एक कीवर्ड होता है हमारे पास go to, उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे लिखोगे, go to step 5, तो वो क्या करेगा, वहां पे चला जाएगा। This indicates the proper flow of our actual algorithm, जो हमारे चीज है pseudo code है उसका actual flow बताता है। अब नेक्स्ट आते हैं algorithms के types। Algorithms में अगर देखा जाए ना, तो तीन बेसिक चीजें होती है यहाँ पे हमें। सबसे पहला होता है सीक्वेंस, हम सीक्वेंशियली कुछ चीजें करते हैं, फिर डिसीजन, हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, एंड एक होता है रिपीटेशन। तो ये तीनों के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो जब आप पेपर लिखोगे एक्चुअली, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आपको रेस्पेक्टिव पांच मार्क, छह मार्क, या फिर कभी कभी एट मार्क के क्वेश्चन में सब क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन आता है कि राइट स्यूडो कोड, स्टेप कोड, स्टेप फॉर्म या फ्लो चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अब प्रॉब्लम क्या दिया गया है आप सभी को, राइट एन एल्गोरिदम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन सा एल्गोरिदम आपको लिखना है, राइट। तो आप जितना हो सके, अगर आपके पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, मार्क्स ज्यादा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप तीनों फॉर्म लिखो, गलती मत करना इसके अंदर। Write an algorithm to accept two numbers and display its product. बहुत सिंपल, क्या बोला है, algorithm लिखना है, क्या लिखना है, input लेना है। सबसे पहले क्या है, accept two numbers, आपको दो numbers को accept करना है, और उसके बीच में आपको product, product मतलब simply multiplication, asterisk वाली जो sign आती है ना हमारे पास, उसे क्या करना है, वो as a operator use करना है। दो numbers के बीच में बोला है, यानी कि आपको A and B दो numbers लगेंगे, input लेना है, and then respective output को कुछ एक particular word के अंदर रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं step form algorithm। Step form algorithm is simply English language, right? तो यहाँ पे क्या होगा, step number one, इसके अंदर start stop का कुछ फंडा नहीं है English language में। Indicate the user to enter the input number। इनपुट लेना है हमें, तो हमें क्या करेंगे, हम उसे बोल देंगे भाई साहब ये आपका फील्ड है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट डाल दो। अब इनपुट डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें वेट करना पड़ेगा ना, उसे इनपुट डालना है, वो टू प्रेस करेगा, थ्री प्रेस करेगा, राइट, कुछ तो इनपुट देगा, हम क्या करेंगे उसे फिर उसके लिए थोड़ी देर वेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अब जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करें, मल्टीप्लाई करने बोला है, तो आपको वो यूज करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ये दोनों जो वैल्यूज उसने यहाँ पे एंटर की है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्प्ले द कैलकुलेशन, जो भी आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उसे डिस्प्ले कर दो, एंड फाइनली स्टेप्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स नहीं यूज करना, कुछ भी नहीं यूज करना, सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपको लिखना है कि आपको क्या यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है, क्या सीक्वेंस होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है हमारा, दैट इज स्यूडो कोड। अब जब हम स्यूडो कोड स्टडी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आते हैं ऑपरेशंस, एंड सबसे पहली चीज आती है स्टार्ट, एंड सबसे लास्ट चीज आती है स्टॉप। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली, ये जो स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये भी आपको लिखना जरूरी है, स्टेप वन स्टेप टू, ये भी आपको कंटिन्यूसली लिखना होगा। नेक्स्ट प्रिंट एंटर टू नंबर्स। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ चीजें डबल कोट्स के अंदर है, जो चीज डबल कोट के अंदर होती है वो हमेशा हमारे आउटपुट वाले रीजन में दिखाई देती है। मेक श्योर दिस थिंग, जो डबल कोट्स के अंदर होगी वो आउटपुट वाले स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, एंड बाकी नहीं, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो नंबर्स हमें एक्सेप्ट करने हैं, राइट, हम क्या करेंगे, एंटर टू
नंबर्स एंटर करने के बाद व्हाट विल डू, हमें इनपुट मिल जाएगा, इनपुट दे रहा है ना, वो हमें इनपुट लेना पड़ेगा एज ए एंड बी, मैंने उसे दो नंबर्स, दो अल्फा दे दिया. नाउ what I will do, I need to do some arithmetic operation, that is multiplication. So simply I will store that thing in R. X, कोई भी एक वेरिएबल x है, डेटा टाइप्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल x है हमारे पास, उसके अंदर मैंने a एंड b का मल्टीप्लीकेशन करके छोड़ दिया. नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट करना है हमें हमारा वैल्यूज को, प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट x, एंड देन फाइनली हमारे पास हो जाएगा स्टॉप. यहाँ पे आप इंग्लिश कम एंड ऑपरेशन ज्यादा यूज कर रहे हो. हमारे देखो जितने रूल्स थे, एक दो तीन चार, चार रूल्स तो हमने यहाँ पे हमारे यूज किए. तो मेक श्योर आप ऐसे हमारे स्यूडो कोड को मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ विथ नॉर्मल प्रॉपर प्रोसीजरल फ्लो आप यहाँ पे दिखाओगे. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दैट इज राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे जितने मैक्सिमम नंबर्स, जितने मैक्सिमम मैक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके सॉल्व होंगे उतना अच्छा होगा. देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दोज हु आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन. होल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. जीरो से स्टार्ट होता है और आगे जाता है. तो यहाँ पे अगर आपने उधर गलती कर दी तो आउटपुट के अंदर भी गलत हो जाती है चीजें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. मुझे कहाँ से जाना है, 1 से लेके 10 तक जाना है. 10 के आगे जाना है क्या, नहीं जाना. यानी कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा आइट्रेशन यूज करना पड़ेगा. सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल एंड टू 10. ठीक है, स्टेप फॉर्म सबसे पहले हम देख लेते हैं. सबसे पहला होगा इनिशियलाइज द काउंटर विद द वैल्यू एज 1. स्टार्ट कहाँ से करना है, आई की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए. 0 से नहीं करना है, यहाँ से कहाँ पे स्टार्ट करना है, 1 से करना है. नेक्स्ट चेक इफ द काउंटर इज ग्रेटर देन 10. conditions आ रही है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, कोई भी sort of operations नहीं use करना है. तो हमें क्या बोलना है कि प्लीज चेक जो काउंटर हमने सेट किया है 1 को, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा है, स्टॉप कर दो उसे. हमें क्या करना है, आगे नहीं जाना है. इफ येस देन गो टू, यहाँ पे हमने क्या किया, गो टू स्टेप नंबर 6, दैट विल बी आर लास्ट स्टेप. जब आप प्रोग्राम लिखोगे यू डोंट नो हाउ मेनी स्टेप्स यू नीड, राइट. तो आप सिर्फ गो टू स्टेप ब्लैंक छोड़ दो, लास्ट में जब प्रोग्राम एल्गोरिथम स्टॉप कर दोगे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे क्या करो, लिख दो. नेक्स्ट डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द काउंटर वेरिएबल. जितने भी वैल्यूज आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप डिस्प्ले कर दो. आइट्रेट द काउंटर वेरिएबल. क्यों आइट्रेट किया, 1 हो गया, 1 के बाद आइट्रेट करोगे, 1i+1 करोगे, फिर वो नेक्स्ट काउंटर पे चला जाएगा. ऐसे करके हमें क्या करना है, एक एक इंक्रीज करना है. एंड देन फिफ्थ स्टेप विल बी गो टू स्टेप नंबर 2. अगेन चेक करेगा काउंटर, जब 10 हो जाएगा, 11 होने लगेगा, तो वो वापस चेक करेगा, यस इट इज ग्रेटर देन 2, द 10, दैट मींस हमें क्या करना है, वहीं पे उस चीज को स्टॉप करना है. एंड स्टेप नंबर 6 विल बी आवर स्टॉप. सिंपल फ्लो क्या था, इनिशियलाइज टू 1, चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 10, इफ यस देन गो टू स्टॉप, इफ नो देन कंटिन्यू द स्टेप फॉर आइट्रेशन, डिस्प्ले करने के लिए और आइट्रेट करने के लिए. अगेन चेक, गो टू स्टेप नंबर 2 एंड चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 10, अगर है तो स्टॉप. ये हो गया हमारा बेसिक स्टेप फ्लो, स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्यूडो फॉर्म. अब स्यूडो कोड के अंदर आ जाओ तो सबसे पहले आएगा स्टार्ट, आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट आएगा, हमने आइट्रेट किया काउंटर को टू 1, i टू बी इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट इफ i, इफ वाला कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, इफ एल्स यूज करेंगे. इफ i इज ग्रेटर देन 10, क्या है, 10 से बड़ा है, देन गो टू स्टेप नंबर 7. जो भी स्टेप आएगा वो बाद में हम देख लेंगे. नेक्स्ट प्रिंट आई, हम हर बार क्या करेंगे, आई को प्रिंट करते जाएंगे और एक बार एक प्रिंट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आइट्रेट भी करेंगे. क्यों आइट्रेट करेंगे, ताकि उसकी वैल्यू हम क्या करें, हर बार आइट्रेट करके पॉइंटर इंक्रीज करते जाए. 1 था, फिर उसके बाद चेक करेगा कंडीशन, इट इज स्मॉलर देन 1, तो हम क्या, सॉरी इट इज स्मॉलर देन 10, हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे. नेक्स्ट अगेन 1+1 दैट इज 2, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2+1 इज 3, अगेन इट विल गो. तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप नंबर 3, सो दैट इट विल चेक इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड देन फाइनल स्टेप क्या होगा, आपके पास स्टॉप हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली स्यूडो कोड एल्गोरिथम. अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, क्या होता है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. बट ऑब्वियसली ग्राफिकली कुछ चीजें देखना चार्ट में, पाई चार्ट में,
बार प्लॉट में या हिस्टोग्राम में, फ्रिक्वेंसी टेबल में, ये सारी चीज़ें ईजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए. कोई भी एक एक्सेल शीट देख लो एंड कोई भी एक नॉर्मली ऐसा बड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म का आप डेटा बेस देख लो, बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में. तो यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे हमारे बेसिक सी कुछ कंपोनेंट्स जो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिप्रेजेंट हाउ एक्चुअली आर फ्लो इज ऑफ द पर्टिकुलर एल्गोरिथम. चलो सबसे पहली चीज़ आती है ओवल. ये ओवल लिखा है बट ओवल जैसा दिख नहीं रहा, वो बात अलग है. यहाँ पे देखो, समझ लो रेक्टेंगल नहीं है, थोड़े से जो उसके एजेस है ना वो कर्व्ड है, इतना समझ लो. ओवल बनाना है तो ठीक है, ओवल भी आप बना सकते हो, कोई हर्जी नहीं है. तो यहाँ पे जब भी मैं ओवल कहीं पे भी आपको एल्गोरिदम में ओवल दिखाई देगा, विच मीन्स यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द एल्गोरिदम. अगर मुझे कोई भी एल्गोरिदम स्टार्ट करना है तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा. इसके अंदर मैं स्टार्ट लिखूंगी, एंड करूंगी, तभी भी यहाँ पे क्या करूंगी, ये पर्टिकुलर डायग्राम बना दूंगी, जो शेप है बनाऊंगी, एंड देन स्टॉप लिख दूंगी. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो लाइन. जो हमारी एक नॉर्मल सी एरो वाली लाइन होती है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. हाउ एक्चुअली आर फ्लो इज ऑफ द पर्टिकुलर गिवन चार्ट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम. अभी पैरेललोग्राम इज यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड इनपुट और आउटपुट. जो भी आपका प्रोसीजर है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्या परफॉर्म करना है, क्या आउटपुट डिस्प्ले करना है, क्या इनपुट लेना है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर, ये शेप के अंदर डाल सकते हो. नेक्स्ट रेक्टेंगल, इट इंडिकेट्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए प्लस बी करना है, वो ऑपरेशन यहाँ पे क्या करोगे आप लिखोगे. नेक्स्ट डायमंड जो है हमारा यूज टू टेक द डिसीजन. अब ये जितने कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे ना, इसे आप मग अप करो, इसे आप कॉन्सेप्चुअली समझो, जो चीज करनी है आप इसके साथ करो, बट प्लीज प्लीज लर्न इट. बिकॉज जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, प्रपोज सिस्टम बनाओगे फॉर योर प्रोग्राम्स, सॉरी फॉर योर प्रोजेक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे, एक सब्जेक्ट आता है आप सभी को आगे, वहां पे अगर आपको यूज केस डायग्राम्स बनाने, वहां पे ये सारी चीजें आपको बहुत यूज होने वाली है. तो दिस इज द फंडामेंटल बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन योर फर्स्ट ईयर. हो गया, ये हमारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. अब चलते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ फ्लो चार्ट. हम फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक इफ द ईयर एंटर्ड बाय द यूजर इज लीप ईयर और नॉट. अब ये जो लीप ईयर है, 2024 इज आर लीप ईयर. वेरी हैप्पीली वी कैन से दैट थिंग, 2024 इज अ लीप ईयर विद 29 डेज इन आवर फरवरी, राइट. तो 29 डेज आए, मतलब ये लीप ईयर हो गया, मतलब 366 डेज हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे अब ये लीप ईयर होता क्या है एक्चुअली, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, राइट. बट सिर्फ डिविजिबल बाय 4 होना जरूरी नहीं होता. जैसे कि अगर समझ लो मैं एक ईयर ले रही हूँ, 2100 हमारा सेंचुरी ईयर सपोज मैंने ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इट इज अगेन डिविजिबल बाय 4, राइट. तो हमें वो तो हमारा लीप ईयर नहीं होने वाला, बट ऑब्वियसली वो हमारा लीप ईयर नहीं है. हमें क्या करना है, ऐसे चीजों को भी अवॉइड करना है. इसके अलावा हमें चेक करना है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं. तो यहाँ पे जब हम लीप ईयर का प्रोग्राम लिखते हैं तो तीन बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. सबसे पहले आने वाला है स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को. नंबर टू, हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम रिस्पेक्टिव डेटा फ्लो लाइन यूज करके बता देंगे. इनपुट लिया, सपोज मैंने y, कोई भी एक इनपुट लिया मैंने आपसे y, आपने इनपुट दिया मुझे 2024, ठीक है. 2024 इज डिविजिबल बाय 4, तो चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाती है, इट इज अ लीप ईयर. लेकिन हमें यहाँ पे और भी कंडीशंस चेक करनी है. सपोज अगर आपने मुझे इनपुट दिया होता 2019, तो मुझे उसके लिए चेक करना पड़ता. सपोज आपने मुझे दिया होता 1996, 1994, 1992, 2100, ये सारी चीजें दी होती, तब कैसे हम करते. तो यहाँ पे नंबर वन, मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है. मेक श्योर आप जब भी मॉड यूज कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर के पास जाते हैं, डिविजन यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको मिलता है रिस्पेक्टिव. होप्स आपको ये सारी चीजें पता होगी टर्मिनोलॉजी मैथ्स के अंदर. इफ क्या दिया है, y mod, जो भी y है, mod 4 is equals to 0. If it is equals to 0, इतना काफी नहीं है. इसके साथ y mod 100 should not be equals to 0. ये क्या denote करता है, जो century years होंगे. Suppose जो 2100 लिया, तो 2100 mod 100 कितना हुआ हमारे पास, 0 हुआ क्या, नहीं, right? तो हमें क्या करना है वहां पे, sorry 0 हुआ, तो वो condition satisfy करने है. And के साथ if it is true,
एंड फॉल्स, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट और के अंदर आ जाओ, और क्यों लिया हमने, सो दैट वाई मॉड 400 विल बी इक्वल्स टू जीरो। अगर वो वाई मॉड 400 हमें जीरो मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे और सिचुएशन यूज करेंगे। अब कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक नंबर ले लो, उसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। ये हो गया हमारा बेसिक सा पूरा। तो यहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर चीज हमारी लीप ईयर होगी तो हम क्या करेंगे वहां पे, प्रिंट लीप ईयर। अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर करके चीजें क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर चीज आने वाली है, कंडीशंस हमारे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे, एंड आपका जो भी आपका आउटपुट होने वाला है, इनपुट, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। एंड नेक्स्ट लास्ट में फ्लो लाइन यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को, हमारा जो फ्लो चार्ट है उसे स्टॉप कर। अब देखो ये चीज ज्यादा बेटर थी, या स्टेप फॉर्म या सीरो कोड ज्यादा बेटर था, वो आपके ऊपर है। अब हमें बेसिकली ये चीज काफी इजी लगती है व्हेन वी आर ड्रॉइंग प्रोटोटाइप्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, होप आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और सारी चीजें देखेंगे हमारे सी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, एंड हमारा जो पर्टिकुलर आज का सेशन है वो यहीं पे खत्म करते। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।